हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री कतर के बारे में। किसी एक ज़माना में कतर सिर्फ एक तपता हुआ डेजर्ट हुआ करता था, बट वही कतर में आज आपको हाई राइज बिल्डिंग, बिग शॉपिंग मॉल्स एंड महंगे महंगे कार छोड़ के और कुछ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए कतर को आज मिडिल ईस्ट का वेगास बोला जाता है। कतर के लोगों के पास आज इतना पैसा है जो आपकी होश उड़ा देगा। कतर की पर कैपिटा इनकम आज $1,00,000 है, जो अमेरिका, सिंगापुर, इवन उनकी नेबर कंट्री सऊदी से भी कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए कतर में आज नोटों का बारिश होता है। कतर एक ऐसा देश है जहां लोगों को ना कोई टैक्स भरना होता है, ना कोई बिजली का बिल, इवन बड़े से बड़े इलाज फ्री में किया जाता है। इसीलिए कतर में रहने वाला हर एक आदमी आज अरबपति है। आज भारत एंड बाकी दुनिया की बेरोजगारी जहाँ इतनी ज़्यादा है, दूसरी तरफ कतर की बेरोजगारी 1% से भी नीचे है। अगर आज कतर एयरवेज को देखा जाए तो ये किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। इसीलिए दुनिया के लिए कतर एयरवेज आज एक बिगेस्ट अट्रैक्शन है। बट कतर हमेशा के लिए ऐसा नहीं था। कुछ दशक पहले कतर की लोग सिर्फ मछली पकड़ने का काम करता था। गरीबी इतना ज़्यादा थी, लोगों को 2 वक्त की खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। एक छोटा सा कंट्री होने के बाद भी कतर आज खुद को इतना काबिल बनाया। वर्ल्ड की सबसे बड़ा फुटबॉल स्पोर्ट्स इवेंट फीफा को कतर के आगे झुकना पड़ा। बट कैसे कतर आज एक डेजर्ट को नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया, इसके पीछे राज क्या है एंड क्यों आज रेस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज सऊदी, यूनाइटेड एमिरेट्स हेट्स कतर, वी विल गेट टू नो एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो वीडियो का एंड तक बने रहना। अगर आप नए हो देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस कहानी का शुरुआत होता है साल 1916 में, जहाँ एक तरफ पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरी तरफ कतर को इस वॉर से खतरा महसूस हो रहा था, क्योंकि उन दिनों में कतर बहुत ही छोटा कंट्री हुआ करता था। इसीलिए कतर के अमीर शेख अब्दुल्ला एआई थानी अपनी कंट्री की हिफाजत के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक डील साइन अप किया था। डील की मेन मुद्दा यह था, किसी भी हालत में ब्रिटेन बाहर की हर खतरा से कतर को प्रोटेक्ट करेगा एंड इसके बदले में कतर को अगले 55 सालों तक अपनी गैस एंड तेल का भंडारों में से जितनी भी कमाई होगी वो सब ब्रिटेन के साथ शेयर करना होगा। साल 1940 में कतर की पहली ऑयल फील्ड को डिस्कवर किया गया था। बट ऑयल फील्ड डिस्कवर होने के बाद भी 1960 तक कतर की इकोनॉमी में खास कुछ सुधार नहीं आया था, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वजह से तेल की मार्केट बहुत ही खराब हो गया था। एंड उसी दौरान 1970 में सेल ऑयल कंपनी ने वर्ल्ड की सबसे बड़ा गैस की खजाना नॉर्थ फील्ड को डिस्कवर किया था। इस गैस फील्ड के डिस्कवर होने के साथ और एक अच्छा चीज़ हुआ था, 1971 में कतर को ब्रिटिश से आज़ादी मिल गया था। बट इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद भी कतर उस गैस की खजाना को अगले 25 सालों तक सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि उन दिनों में गैस को पाइपलाइन के थ्रू दूसरे देशों में भेजा जाता था एंड गैस यूज करने वाला देश लाइक इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया से कतर कई हज़ार माइल दूरों में था एंड पाइपलाइन के थ्रू उन सभी देशों में गैस पहुंचाना नामुमकिन था। इसीलिए सेल कंपनी खुद इस गैस फील्ड के बारे में भूल चुका था एंड धीरे धीरे इस गैस फील्ड ऑफिशियल पेपरों में दब गया था। इसके बाद 1995 में हमाद बिन खलीफा एआई थानी अपने पिताजी को पावर से हटा के खुद नया अमीर बने थे। इस इंसिडेंट के बाद कतर की तकदीर हमेशा के लिए बदल गया था। सत्ता में आने के बाद हमद ने सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किया था, दैट इज गैस की खजाना को कैसे यूज किया जाए। हमद को पता था ऑयल इंडस्ट्री से हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, इसलिए ऑयल से जो भी पैसा आती थी उस पैसा को हमद ने एक बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया था एंड वो रेयर टेक्नोलॉजी था गैस को लिक्विफाइड करना। लिक्विफिकेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो -160 डिग्री टेम्परेचर से गैस को पानी का तरह लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिप के थ्रू एशियन कंट्रीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गैस को भेजा करता था। रशिया एंड ईरान के बाद कतर आज वर्ल्ड की 3rd largest नेचुरल गैस होल्ड करता है। कतर के पास आज इतना नेचुरल गैस है जो अगले 130 सालों में भी ख़त्म नहीं होगा एंड कतर नेचुरल गैस एंड तेल की कमाई से आगे बहुत तरक्की की। इसके साथ हमद को हमेशा और एक चीज़ परेशान करता था, अगर किसी दिन नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो गया तब क्या होगा, कतर को फिर से गरीबी के साथ लड़ना होगा।
इसीलिए हमद ने इन 2005 कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी नाम से एक कंपनी बनाया एंड कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का थ्रू आज दुनिया भर में बड़े बड़े कंपनीजों में कतर इन्वेस्ट करता है। रशिया, यूके, जर्मनी, फ्रांस, हर एक देशों में कतर की आज इन्वेस्टमेंट है। वॉक्सवैगन, पोस्ट, फ्रांस टेलीकॉम, इन सभी कंपनीजों में कतर की आज मालिकाना है। इवन दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉल क्लब पीएसजी में भी कतर की 70% मालिकाना है। कतर की कैपिटल सिटी दोहा को आज इतनी खूबसूरत बनाया, आज हर कोई कतर की खूबसूरती पे दीवाना है। एंड क्यों नहीं, कतर ने लाखों बिलियन डॉलर जो इन्वेस्ट किया है। एंड रिसेंटली हम लोग देखा दुनिया की सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट कतर में हुआ, जिसके लिए कतर ने नियर अबाउट 16 लाख करोड़ स्पेंड किया। इसके पीछे एक ही मकसद था, कतर को एक टूरिज्म कंट्री बनाना। कतर के साथ आज अमेरिका, इंग्लैंड एंड यूरोपियन कंट्रीज के साथ एक अच्छा रिलेशन है। एंड कतर की बिगेस्ट न्यूज चैनल अल जजीरा मुस्लिम राइट्स के लिए कई दफा सऊदी एंड रेस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया। इसीलिए आज सऊदी, यूनाइटेड एमिरेट्स, इजिप्ट कतर को बैन किया है एंड बेसिकली दे हेट कतर। सो दैट्स ऑल आज के वीडियो में। थैंक यू गाइज़।